आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपने बालों की खुद की ट्रिमिंग, और क्योंकि हमारे बाल अभी लॉकडाउन चल रहा है और सारे पार्लर्स क्लोज हैं पूरी तरीके से, और हम जब भी पार्लर जाके बोलते हैं कि हमारे बालों को ट्रिम कर दो, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे हिसाब से हमारे बालों की लेंथ हो। जब भी हम पार्लर जाते हैं तो हम कितना भी बोलें कि शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है लेंथ को, बट वो हेयर हमारे शॉर्ट हो जाते हैं। तो गाइस आज हम करेंगे अपने बालों की ट्रिमिंग घर पे विदाउट अपने हेयर लेंथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक सीजर और दो रबर बैंड, और फिर हम करेंगे अपने बालों को यहाँ से डिवाइड। यहाँ से मेरे बाल ऑलरेडी पहले से ही हैं डिवाइड, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, सो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, पर आपके बाल अगर स्ट्रेट हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो हम अपने बालों को पहले ऐसे दो सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे, वन एंड दी अदर। सो गाइज ये तो हो गया, हमारे बालों को डिवाइड कर लिया है हमने एंड एक रेड एंड एक ब्लैक बैंड से। सो जब ऐसे हमारे बाल हो जाएंगे तो हमें फिर साइड से एक छोटा सा अपने बालों का ऐसे सेक्शन लेना है। इस तरीके से हम अपने बालों को लेंगे और उसको ऐसे करके ट्विस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। एग्जैक्टली आप अपने फिंगर की मदद से ऐसे करके से ट्विस्ट कर सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पर बाल अच्छे से ट्विस्ट हो चुके हैं, अब हमें इसको ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है इस तरह से, और यहाँ पर जितने भी छोटे दो मुहे बाल होंगे वो पूरे आपको दिखने लगेंगे, और फिर हमें उन्हें सीजर की मदद से कट कर लेना है। अपने बालों को ट्विस्ट कर लेंगे, फिर हम अपने बालों को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो जितने भी हमारे दो मुहे बाल होंगे वो सारे ऊपर की तरफ दिखने लगेंगे, और फिर हमें सीजर की हेल्प से इसको ऐसे ऐसे करके कट कर देना है। जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी सेम ऐसे करना है, और जितने भी आपके दो मुहे छोटे डैमेज हेयर होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे। एंड नीचे का आप ये चाहो तो कट कर सकते हो, तो मैं ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा कट कर दूंगी, क्योंकि ये भी ऑलरेडी नीचे से बहुत ज़्यादा डैमेज और बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। अब सेम ऐसे ही हमें थोड़ा दूसरा सेक्शन बालों का लेना है, उसको ट्विस्ट करना है, फिंगर की हेल्प से ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये हो गया ट्विस्ट। यहाँ पर जितने भी मेरे बाल जो कि नीचे से दो मुहे हो गए थे वो सारे के सारे निकल चुके हैं, और हमारे बालों की लेंथ भी बिल्कुल छोटी नहीं हुई है।
प्रैक्टिस करते हुए मैंने अपने दोनों साइड के बालों को ट्रिम कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि इससे हमारे बालों की लेंथ बिल्कुल छोटी नहीं होती है। और अगर आप बालों को अपने मंथ में एक बार ऐसे ही नॉर्मली रफली ट्रिम कर लेते हो तो उससे आपके बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है और आपके बालों में नीचे जो भी आके हमारे बाल फंसने लगते हैं, फिर बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। सो अब आप देख सकते हो कि मेरे बालों में कहीं भी फंसने जैसा कुछ भी नहीं है और लेंथ भी उतनी की उतनी ही है। एंड सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत ही ईजी स्टेप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इससे हमारे बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाले हैं और ना ही ज़्यादा कट होने की प्रॉब्लम है और ना ही ज़्यादा कुछ भी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आप इसे घर पर आराम से ट्राई कर सकते हो विदाउट अपने बालों की लेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।